लास्ट मतलब हर दिन ऐसे जियो कि आखिर ही हो। बाय छत से कैसा व्यू दिखता है, वैसे तो देख रखा है फिर भी मैं दिखाना चाहूंगी, प्लीज देखना आप लोग। गुड मॉर्निंग माई टू फैमिली, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। सो अभी टाइम हो रहा है आपके साथ और मैं जस्ट अभी 5-10 मिनट पहले उठी हूँ। तो आज का मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की धूप लगी है, हल्का हल्का मौसम भी ख़राब हो रखा है। जैसे कि मैंने वो क्या बोलते हैं साड़ी वाली ब्लॉग डाला था मैंने अपना सेल्फ मेकअप वाला, तो वो काफ़ी लोगों ने पसंद किया मेरा वो वाला ब्लॉग, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए थे, तो मुझे कमेंट पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, मेरा नया लुक, मैंने ये कर्ली कलर किया अपने बालों में, ओम्ब्रे कलर, मतलब ओम्ब्रे कलर बोलते हैं इसको, लेकिन कलर का नाम है मतलब जो मैंने करा था नीचे नीचे उसको ओम्ब्रे बोलते हैं, और जो मैंने कलर किया कॉपर, इस वाले कलर को वैसे ओम्ब्रे कलर बोलते हैं, जो ये मतलब ट्रिक जो लगा रखा है नीचे नीचे से इसको तरीका मतलब ओम्ब्रे बोलते हैं, और जो मैंने इसमें कलर किया है वो कॉपर में है। तो मैंने ये फर्स्ट टाइम बहुत पहले भी किया था, तो उसके बाद बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया, निकल गया, फेड हो गया था, तो फिर मैंने दोबारा इसको लगा रखा है। मैं पता क्या सोचती कि हर शौक पूरा करना चाहिए क्योंकि लाइफ बार बार नहीं मिलता है। सो फ्रेंड्स अभी ना छत पे बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, तो मैं अभी छत पे आई हूँ और बादल लगे हुए दिखो, बहुत प्यारा सा मौसम हुआ है। तो मैं जस्ट अभी छत पे आई हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ हमारे छत से कैसा व्यू दिखता है, वैसे तो देख रखा है फिर भी मैं दिखाना चाहूँगी, प्लीज़ देखना आप लोग। आप लोग को ये चीज़ बताऊँ, मुझे लगता है कि ना मतलब लड़कियों ने हर शौक़ पूरा करने चाहिए, बहुत लड़के ऐसे होते हैं जो अपना शौक़ पूरा नहीं कर पाते हैं, बस ये सोचते हैं कि लोग क्या बोलेंगे लोग क्या बोलेंगे, बट ऐसा लोगों के बारे में सोचेंगे तो उसके बाद अपनी लाइफ जी नहीं पाएंगे। तो मैं सोचती हूँ कि यार अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हो, तो मैं तो अपनी लाइफ इतनी अच्छे से जीती हूँ ना आप लोगों को क्या बताऊँ, बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग खुद ही देखते हो। मैं काम के साथ साथ अपने लिए टाइम भी निकालती हूँ और मस्ती भी करती हूँ, इंजॉय भी करती हूँ, और जो मेरे साथ रहता है वो तो वैसे इंजॉय कर लेता है क्योंकि मेरी आदत ही है खुद भी इंजॉय करो और लोगों को भी इंजॉय कराओ। तो मतलब ये मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अपनी लाइफ खुल के जीना चाहिए और इतना इंजॉय करना चाहिए कि बाद में उसको फील ना हो कि मैंने अपनी लाइफ अच्छे से जी नहीं। तो मेरा मानना है कि तुम ना मस्ती करो, इन्जॉय करो, जो तुम्हारा मन करे वो चीज़ें करो, बट इतना मत करना कि उस इन्जॉय के चक्कर में तुम अपने घर वालों को प्रॉब्लम में डालो, ऐसा इन्जॉय मैं नहीं बोल रही, बस अपनी लाइफ मतलब अच्छे से जियो कि तुम्हें लास्ट में ये मतलब ये ना लगे मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कराया, मैंने घूमा नहीं, ये नहीं, ये चीज़ें मतलब मैं ये सोचूँ कि लास्ट में बोलने का मौका ना दो आप लोग। तो अपनी लाइफ ऐसे जियो कि आखिरी हो, आखिरी हो मतलब ये नहीं कह रहे हो लास्ट, मतलब हर दिन ऐसे जियो कि आखिरी हो, कह एक डायलॉग नहीं है वैसी। तो मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ और मेरे घर वाले इतने अच्छे, मैं आप लोग को क्या बताऊँ, हर चीज़ में सपोर्ट, और मेरे जितने भी रिलेटिव हैं वो तो है ही है, क्योंकि मैं पता है क्या सोचती हूँ, मुझे हर जन्म में मुझे ऐसी फैमिली मिले जो मुझे अभी मिला है, मेरे मम्मी पापा मेरे दीदी लोग जितने भी लोग हैं मेरे रिलेटिव हैं जितने भी हैं, मुझे ऐसे हर जन्म में चाहिए, मुझे और
फैमिली नहीं चाहिए, मुझे ये वाली फैमिली चाहिए। मतलब हर किसी की फैमिली अच्छी होती है, मैं ये नहीं कह रही बुरी होती है, बट जितना मैं अभी हूँ मुझे ये सोचती कि मुझे हर जन्म में मुझे मेरे पापा यही पापा मिले और मम्मी यही मिले, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ना, बहुत ज़्यादा। मम्मी पापा के साथ साथ मेरे दीदी, मेरे मौसी लोग, मेरे मौसा जी, चाचा, मामा, फूआ, फूफा, भाभी, जितने भी हैं सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मतलब जैसे कुछ करना हो कि मम्मी मैं ये करूँ वो करूँ, तो बोलते कि हाँ करो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम कर सकते हो। तो वही चीज़ मैं बताना चाह रही थी। और एक आध दिन के बाद हम लोग जाने वाले हैं कहीं टूर पे, तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को और बताऊंगी उसी टाइम पे, अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी। तो एक आध दिन के बाद ही आप लोग को पता चलेगा। और हम लोग जाएंगे एक हफ्ते के लिए और हम जा रहे पूरी फैमिली। तो घूमना मुझे फैमिली के साथ बहुत पसंद है, तो मैं फैमिली के साथ ही जा रही हूँ। फैमिली मतलब मम्मी पापा, तो मम्मी तो नहीं आ रही है नानी की वजह से, क्योंकि नानी मेरी एक्सपायर हो गई थी, तो फिर मौसी लोग भी नहीं आ रहे हैं, तो पापा आ रहे हैं और मैं, दीदी लोग जाएंगे। भैया आ रहे थे बट भैया की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको नहीं लेके जा सकते हैं। मतलब ठीक नहीं है, मतलब ठीक है अब, तो थोड़ा वीकनेस है, तो एक आध दिन में वो भी ठीक हो जाएगा। फिर वो नहीं आ रहा है तो हम लोग ही जा रहे हैं, तो देखते हैं। फिर मैं आप लोग को वहाँ का व्यू दिखाऊंगी, वहाँ जब हम लोग जा रहे हैं, तो मैं वो थोड़ी देर में ही बताऊँगी, जब मैं अल्मोड़ा पहुँचूँगी ना उसके बाद ही बताऊँगी, ठीक है। शाम को मुझे बुआ के वहाँ भी जाना है और साड़ी पहुँचाने के लिए क्योंकि वो साड़ी मेरी बुआ की थी, तो मैं बुआ की साड़ी लेके आई थी बहुत पहले, तो वही साड़ी पहना था मैंने उस दिन जिस दिन मेकअप किया था। तो वो पहुँचाने जाना शाम को, अगर मौसम सही होगा तभी जाएंगे, नहीं तो फिर और टाइम देखूँगी। तो अभी तो मैं रखती हूँ, थोड़ी देर के बाद मिलूँगी आप लोगों से, क्योंकि मुझे अभी नाश्ता बनाना है, फिर भैया के लिए भी नाश्ता बनाना है। No. अब भैया लोग आ रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा उसका चेकअप करा लेती हूँ दोबारा, तो मैं अभी जा रही हूँ। मैं भैया को दिखा के आ गई हूँ, भैया पीछे पीछे आ रहे हैं लोग यहाँ पे, वो पीछे आ रहे हैं, और मैं जा रही हूँ अभी रूम सैलून। तो प्रदीप और दो जने आए थे, तो अब मैं सैलून जाऊँगी। ठीक है, वो बस थोड़ी कमजोरी है, तो उसको नारियल पानी और की भी यही खिलाना है, और थोड़ा मत्ते।
कौन आया? क्या पूंद कर मामा पूंद कर आ ना बड़ा मेरे को कर तो मेरे को कर पूंद का क्यों चला तो चल मेरा बच्चा चलो बच्चा चलो बच्चा कौन है ये कौन है ये हेलो हेलो कहने हेलो अभी हम कहाँ आए हैं वेदों के वहाँ कहाँ आए हैं वेदों के घर आए हैं नपतला नपतला बोलना नपतला पकड़ दे पकड़ दे अच्छा ठीक था तो ठीक था आया हक कर दे हक कर दे चलो भाई बता पूतगा बाबा छमा जो पूतगा भैया जो पूतगा मामू जो यहाँ पीछे में कोई पूत कर पूत बाय बाय क्या घी गाड़ी घी चलते बाय चल अब तो फ्रेंड्स अभी मैं बुआ के वहाँ आई थी तो वेदो बाय ऊपर से देख रहा हूँ देखो बाय बाय अभी देख रहा हूँ ऊपर से चल मैं नहीं देख रहा हूँ ये है तो ले चल अब चल गाड़ी आई वहाँ से ब्लॉक के चक्कर में ठोक देगा तो हो गया ओ निकल गए हैं बुआ के वास्ते और रोहित है मेरे साथ तो अभी रूम में जा रहे हैं जाते जाते मैंने सोचा कि मिठाई खा लेते मिठाई खाने का मन कर रहा है तो अभी हम लोग जाएंगे कुमार स्वीट शॉप है यहाँ पे घंटाघर में वहाँ पे जाएंगे फिर मिठाई खा के फिर हम रूम में जाएंगे देहरादून में सर्दियाँ स्टार्ट हो गई और मैंने पहला जैकेट किसी को इसको गर्मी लगती है और जैकेट अभी गाड़ी आ गई थी पीछे से गाइस हमारे साथ पोपट हो गया है वो दुकान ही बंद हो गई स्वीट शॉप लेट हो गया तो हम वापस जा रहे रूम में आप देखते चावला चौक पे खुला होगा तो वहाँ से खा के जाएंगे नहीं तो खाना ही खाएंगे सीधे घंटा घर में तो बंद था तो हम लोग यहीं पे आ गए चावला चौक में पर ठंडा है यार हम लोगों ने मिठाई खा लिया है मिठाई खा के कैसा लग रहा है रोहित बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है पर ना कुमार स्वीट्स वहाँ पे इतना टेस्टी और मीठा गरम गरम मिलता है यहाँ पे बहुत ठंडा था तो वहाँ पे खाते तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता लेट हो गया था तो फिर दुकान बंद हो गई वो नेक्स्ट टाइम जाएंगे पक्का गुड नाइट जा